पृथ्वी पर जब जब बढ़ता है आतंक और अत्याचार, तब तब धरती पर लेते हैं हरि अवतार। आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है। भादो मास की आधी रात में वासुदेव एक नन्हे बालक को सर के ऊपर रखकर यमुना नदी की तेज लहरों को पार करते हैं, जो कि गोकुल वासियों के खुशी का कारण बनता है। और फिर दर्शन करके माँ यशोदा को उनके असाधारण मानव होने का बोध होता है। नटखट नटखट है नंद किशोर, कहलाए माखन चोर, संग संग ग्वालों की टोली, खात खेले माखन की होली। ग्वालन, तुम कान्हा के भय से माखन कहीं भी छुपाओ, किंतु श्री कृष्ण तो सर्वज्ञानी है। Thank you.
गोकुल था ब्रज का वासी कान्हानंद किशोर। कृष्ण का जन्म तो लोगों के उद्धार के लिए ही हुआ है, चाहे वह मनुष्य हो या चाहे जानवर। गरुड़ के भय से कालिया नामक एक विषैला सर्प यमुना नदी में छिप जाता है, जिसके विष से पूरे ग्रामवासी भयभीत हैं। तभी श्री कृष्ण एक उपाय सुझाते हैं। विषैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। आकाशवाणी सुन कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को कारागार में मार डाला, किंतु 8वें पुत्र को मार न पाया और वही उसके काल का कारण बना। बन गए अगर तुम कंस तो सुन, ये मूल्य चुकाना पड़ता है धर तांडव रूप कृष्णा को सुदर्शन उठाना पड़ता है। जीवन काल अनेक लीलाओं और संवेदनाओं से भरा हुआ है। इनका तो जन्म ही सृष्टि से पाप को मिटाने के लिए हुआ है।